वेलकम गाइस, आज के इस वीडियो में मैं मारुति सेलेरियो ZXi ऑप्शनल वेरिएंट को कंपेयर करूंगा टाटा टियागो XT वेरिएंट से। इस वीडियो में इंजन, डायमेंशंस, कंफर्ट फीचर्स, सेफ्टी फीचर्स, वारंटी, सर्विस सेंटर्स और प्राइस पॉइंट को कंपेयर किया जाएगा। नंबर वन, इंजन। इंजन की बात करें तो सेलेरियो में 1 लीटर और टियागो में 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मौजूद है। दोनों ही गाड़ियों में 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल किया गया है। सेलेरियो का इंजन जनरेट करता है 67 bhp का पावर और 90 nm का टॉर्क, जबकि टियागो का इंजन जनरेट करता है 84 bhp का पावर और 113 nm का टॉर्क। दोनों ही गाड़ियों में 5 स्पीड मैनुअल के साथ साथ 5 स्पीड AMT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का इस्तेमाल किया गया है। सेलेरियो में 21.63 kmpl का, जबकि टियागो में 23.84 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। अब ओवरऑल अगर फर्स्ट पैरामीटर इंजन को कंपेयर करें तो आप देख सकते हो सेलेरियो के मुकाबले टियागो में आपको एक बड़ा इंजन देखने को मिलेगा जो ज़्यादा पावर और टॉर्क फिगर्स दे देता है। इसके अलावा ज़्यादा माइलेज भी क्लेम किया जाता है टियागो के इंजन में, इसीलिए फर्स्ट पैरामीटर इंजन के मामले में टाटा टियागो आगे निकल जाती है। नंबर टू, डायमेंशंस। डायमेंशंस की बात करें तो सेलेरियो लेंथ में 70 mm कम है, विड्थ में 77 mm कम है, हाइट में 25 mm कम है, बोट में सिर्फ 7 लीटर कम है, जीसी में 5 एमएम कम है, व्हील बेस में सिर्फ 25 एमएम ज़्यादा है। टायर साइज की बात करें तो सेलेरियो में आपको देखने को मिलेगा R14 एलॉय व्हील्स, जबकि टियागो में देखने को मिलेगा R14 स्टील रिम्स विथ व्हील कवर्स। अब सेकेंड पैरामीटर को कंपेयर करें तो आप देख सकते हो टियागो लेंथ में, विड्थ में आगे निकल जाती है, जबकि सेलेरियो हाइट में, व्हील बेस में, व्हील साइज में इस्तेमाल की गई एलॉय व्हील्स के मामले में सेलेरियो आगे निकल जाती है। नंबर थ्री, कंफर्ट फीचर्स। मारुति सेलेरियो ZXi ऑप्शनल में कंफर्ट फीचर्स का नाम पर मिलता है पावर स्टीयरिंग, फ्रंट एंड रियर पावर विंडोज, वैनिटी मिरर, फ्रंट कप होल्डर्स, मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील, 60:40 स्प्लिट सीट, कीलेस एंट्री, टिल्ट स्टीयरिंग, मैनुअल AC विथ हीटर, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल वार्ड फेम्स, रेयर विंडो वाइपर वॉशर और डीप हॉकर, फ्रंट एंड रेयर स्पीकर्स, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और टूटिन म्यूजिक सिस्टम। जबकि टियागो XT में मिलता है पावर स्टीयरिंग, फ्रंट एंड रेयर पावर विंडोज, फ्रंट कप होल्डर्स, सीट लंबर सपोर्ट, टिल्ट स्टीयरिंग, मैनुअल AC विथ हीटर, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल वार्ड फेम्स, फ्रंट एंड रेयर स्पीकर्स, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और टूटिन म्यूजिक सिस्टम बाय हार्मन। तो इस थर्ड पैरामीटर को अगर कंपेयर करें तो आप देख सकते हो टियागो के मुकाबले सेलेरियो में थोड़े ज्यादा कंफर्ट फीचर्स मिल जाते हैं, इसलिए कंफर्ट फीचर्स के मामले में सेलेरियो आगे निकल जाती है। नंबर फोर, सेफ्टी फीचर्स। अगर बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो सेलेरियो का बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा नहीं है। ग्लोबल इनकैप के क्रैश टेस्ट में इसे 0 स्टार की रेटिंग मिली हुई है। अगर सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो सेलेरियो ZXi ऑप्शनल में मौजूद है ड्यूएल एयरबैग्स, ABS विथ EBD, सेंटर लॉक्स, चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स, सीट बेल्ट वार्निंग, हाई स्पीड अलर्ट, प्रीटेंशनस एंड फोर्स लिमिटर सीट बेल्ट्स और रियर पार्किंग सेंसर्स। जबकि टाटा मोटर्स को जाना जाता है अपनी सेफेस्ट कार्स के वजह से, जो आपको टाटा टियागो में भी मिलेगी। ग्लोबल इनकैप के क्रैश टेस्ट में इसे सबसे अच्छी 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है और इस सेफ्टी को अचीव करने के लिए टियागो में मौजूद है ड्यूएल एयरबैग्स, ABS विथ EBD, सेंटर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, सीट बेल्ट रिमाइंडर, हाई स्पीड अलर्ट, फॉलो मी होम हेडलैम्प्स, स्पीड सेंसिंग ऑटोडोर लॉक, इंपैक्ट सेंसिंग ऑटोडोर अनलॉक, प्रीटेंशनस एंड फोर्स लिमिटर सीट बेल्ट्स, टायर पंचर रिपेयर किट और रियर पार्किंग सेंसर्स। तो जैसे कि आप देख सकते हो सेलेरियो के मुकाबले टियागो में अच्छे खासे सेफ्टी फीचर्स मौजूद है और टियागो को 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग भी मिली हुई है, जो इसके सॉलिड बिल्ड क्वालिटी को दर्शाता है, इसीलिए सेफ्टी के मामले में टाटा टियागो आगे निकल जाती है। नंबर फाइव, वारंटी एंड सर्विस। स्टैंडर्ड वारंटी की बात करें तो सेलेरियो में मिलेगा 2 साल या फिर 40,000 किलोमीटर तक की वारंटी, जबकि टाटा टियागो में मिलेगा 2 साल या फिर 75,000 किलोमीटर की वारंटी। इसके अलावा सेलेरियो के खरीदारी पर मिलेगा मारुति इंडिया की बिग सर्विस नेटवर्क, जबकि टाटा टियागो के खरीदारी पर मिलेगा मारुति के मुकाबले छोटा सर्विस नेटवर्क टाटा मोटर्स की, लेकिन दोनों ही ब्रांड में सर्विस क्वालिटी एवरेज ही मिलेगी। अब ओवरऑल फिफ्थ पैरामीटर को अगर कंपेयर करें
तो मारुति सेलेरियो सर्विस सेंटर के मामले में आगे निकल जाती है, जबकि टाटा टियागो स्टैंडर्ड वारंटी के मामले में आगे निकल जाती है। नंबर 6, प्राइस पॉइंट। प्राइस पॉइंट के बारे में बात करें तो मारुति सेलेरियो ZXI ऑप्शनल 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का एक्सशोरूम प्राइस है 5.71 लाख रुपए, जबकि टाटा टियागो XT 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का एक्सशोरूम प्राइस है 5.62 लाख रुपए। इन दोनों में 9000 रुपए का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। अगर आप ऑटोमेटिक परचेस करना चाहते हो तो मारुति सेलेरियो ZXI ऑप्शनल वेरिएंट का जो AMT वाला वेरिएंट है ऑटोमेटिक वाला, उसका प्राइस है 5.83 लाख रुपए एक्सशोरूम न्यू दिल्ली, जबकि टाटा टियागो XTA AMT वेरिएंट का एक्सशोरूम प्राइस है 6.14 लाख रुपए। दोनों ही गाड़ियों के ऑटोमेटिक वेरिएंट में 31,000 का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। अब ओवरऑल अगर प्राइस पॉइंट को कंपेयर करें तो आप देख सकते हो, अगर आप मैनुअल ट्रांसमिशन परचेस करना चाहते हो तो आप टाटा टियागो XT वेरिएंट को परचेस कर सकते हो, लेकिन अगर आप ऑटोमेटिक परचेस करना चाहते हो तो आप मारुति सेलेरियो को परचेस कर सकते हो, क्योंकि ये 31,000 रुपये सस्ता है टाटा टियागो के ऑटोमेटिक वेरिएंट से। सो गाइस, ये था आज का कॉम्पिटिशन वीडियो। आई होप आपको ये कॉम्पिटिशन वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाना विद ऑल नोटिफिकेशन। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक और आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज के इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।